Realme ने आज भारतीय बाजार के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है, जिनमें से दो स्मार्टफोन्स हैं, Realme X3 और X3 Super Zoom। इसके अलावा Buds Q नाम से वायरलेस ईयरबड्स भी लॉन्च किए हैं और एक बैकपैक लॉन्च किया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे Realme X3 और Realme X3 Super Zoom के बारे में। डिटेल से जानेंगे इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में, किस कीमत के ऊपर इनको लॉन्च किया गया है और क्या खास फीचर इनके अंदर दिए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं MS Tech Talks। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि Realme एक चाइनीज ब्रांड है जो कभी ओप्पो का सब ब्रांड हुआ करता था, लेकिन अभी फिलहाल एक इंडिपेंडेंट ब्रांड है और भारत के अलावा चाइना और ग्लोबल मार्केट के अंदर भी अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करता है। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इन दोनों स्मार्टफोन्स में किसी भी तरह का मेजर डिफरेंस हमको देखने को नहीं मिलता। केवल यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा इनके कैमराज के अंदर, जिसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। बाकी सभी फीचर्स इन दोनों डिवाइसेस के अंदर सेम दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड, डिजाइन और डिस्प्ले के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, डिजाइन के मामले में Realme के सारे फोन्स आपको लगभग सेम दिखाई देते हैं, चाहे आप बजट फोन्स की बात करेंगे और चाहे आप फ्लैगशिप लेवल के फोन्स की बात करेंगे, सभी जगह एक ही तरह का डिजाइन आपको देखने को मिलेगा। इस फोन के अंदर भी कुछ वैसा ही दिया गया है। सामने की तरफ आपको ड्यूअल पंच होल डिस्प्ले डिजाइन देखने को मिलता है, जहां पर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। पीछे की तरफ भी आपको ग्लास बिल्ट डिजाइन देखने को मिलता है और वर्टिकल शेप में कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो फ्रेम काम में लिया गया है वो प्लास्टिक बिल्ड है। इन दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर आपको 6.6 इंच की बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि एक IPS LCD डिस्प्ले है और फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ में आती है। साथ ही साथ वहां पर आपको देखने को मिलती है 120Hz की रिफ्रेश रेट, तो इसकी वजह से आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो काफी स्मूथ मिलने वाला है। इस फोन के अंदर आपको 480 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, जो कि इस रेंज के डिवाइसेस के लिए थोड़ी कम प्रतीत होती है। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात की जाए तो यहां पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी फास्ट है। इस तरह का फिंगरप्रिंट हमें पोको X2 के अंदर और Realme की तरफ से Realme 6 और 6 Pro के अंदर और Redmi Note 9 सीरीज के अंदर भी देखने को मिला था। बॉटम में आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिल जाता है। इस डिवाइस की जो थिकनेस है वो 8.9 mm की दी गई है और यहाँ पर वेट भी अच्छा खासा देखने को मिलता है, लगभग 202 ग्राम का यहाँ पर वेट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 3.5 mm का ऑडियो जैक नहीं दिया गया है। इस फोन में HDR10 का सपोर्ट है या नहीं है, इस बात की कोई चर्चा नहीं की गई है। लॉन्च इवेंट में भी कोई चर्चा नहीं की गई थी और इनकी वेबसाइट के ऊपर भी कोई इन्फॉर्मेशन इसके बारे में अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये हो सकता है यहाँ पर HDR10 का सपोर्ट नहीं दिया गया हो। इस फोन के अंदर आपको दो कलर वेरिएंट देखने को मिलते हैं, ग्लेशियर ब्लू और आर्कटिक व्हाइट। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस और स्टोरेज की। इन दोनों फोन्स की एक मेजर हाईलाइट है इनका प्रोसेसर। जी हाँ, इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 855+, जो कि लास्ट ईयर का फ्लैगशिप लेवल का चिपसेट है, जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और 2.96 GHz की प्राइमरी क्लॉक स्पीड के साथ में आता है और 7 nm टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है, जो कि काफी पावरफुल है। वहीं पर आपको एड्रेनो 640 GPU देखने को मिलता है, जो कि अगेन काफी पावरफुल GPU। तो यहाँ पर आपको गेमिंग का एक्सपीरियंस भी नेक्स्ट लेवल का मिलेगा, तो इस फोन के अंदर परफॉर्मेंस और गेमिंग एक्सपीरियंस आपको शानदार मिलने वाला है। इसके अलावा रैम और रोम की बात की जाए तो यहाँ पर LPDDR4X रैम को काम में लिया गया है डिवाइसेस के अंदर और स्टोरेज टाइप भी यहां पर UFS 3.0 स्टोरेज काम में लिया गया है, तो यहां पर रीड और राइट स्पीड आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर के दोनों डिवाइसेस में परफॉर्मेंस की आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही साथ फोन को ओवर हीटिंग से बचाने के लिए यहां पर लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है, लेकिन यहां पर मेमोरी एक्सपेंड नहीं की जा सकती है। किसी भी तरह का मेमोरी एक्सपेंशन का ऑप्शन यहां पर नहीं दिया गया है, आप मेमोरी को एक्सपेंड नहीं कर सकते। यहां पर केवल 2 SIM कार्ड का ऑप्शन दिया गया है। अब बात करते हैं इन दोनों डिवाइसेस की बैटरी और चार्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको 4200 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है और वहीं पर 30 वाट की डार्ट चार्जिंग का सपोर्ट यहां पर दिया गया है। साथ ही साथ 30 वाट का डार्ट चार्जर बॉक्स के अंदर ही आपको देखने को मिल जाता है। चार्जिंग और डेटा सिंकिंग के लिए आपको USB टाइप सी का सपोर्ट भी देखने को यहां पर मिल जाता है। अब बात करते हैं इन स्मार्टफोन्स के सॉफ्टवेयर के बारे में। तो यहां पर आपको Realme UI का एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। इसके अलावा आउट ऑफ द बॉक्स Android 10 का
का सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर काफी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इन दोनों डिवाइसेज के कैमराज की। आपको बता दूं कि केवल यही वो सेगमेंट है जहां पर इन दोनों डिवाइसेज के अंदर आपको अंतर देखने को मिलेगा, इसके अलावा कहीं भी कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फी कैमराज की। तो यहाँ पर आपको दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर सामने की तरफ ड्यूअल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, लेकिन रियलमी एक्स थ्री के अंदर आपको 16+8 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। वहीं पर एक्स थ्री सुपर जूम में आपको 32 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सेल्फी कैमराज के अंदर डिफरेंस है। ज्यादा बेटर सेल्फी कैमरा आपको रियलमी एक्स थ्री सुपर जूम के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ जो 8 मेगापिक्सल का कैमरा काम में लिया गया है वो एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है। अब बात करते हैं रियर कैमराज की। पीछे की तरफ दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, यानी 4 कैमरे आपको पीछे की तरफ देखने को मिलेंगे जो कि वर्टिकल शेप में आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर 3 कैमरास दोनों ही स्मार्टफोन में बिल्कुल सेम देखने को मिलेंगे, लेकिन एक कैमरा जो है उसके अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इन दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर जो मेन सेंसर देखने को मिलता है वो 64 मेगापिक्सल का सेंसर है, जो कि सैमसंग का सेंसर और रियलमी के लगभग ज्यादातर फोन्स के अंदर हमें वही सेंसर देखने को मिलता है, जहां पर आपको अपर्चर 1.8 देखने को मिल जाएगा। दूसरा जो कैमरा है वो एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, और तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। अब बात करते हैं चौथे कैमरे की, जिसके अंदर दोनों स्मार्टफोन में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। रियलमी X3 में आपको देखने को मिलेगा 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, जहां पर आपको 2x ऑप्टिकल जूम का फीचर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा रियलमी एक्स थ्री सुपर जूम के अंदर आपको टेलीफोटो लेंस की जगह 8 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस देखने को मिलता है, जहां पर आपको 5x ऑप्टिकल जूम देखने को मिलेगा और 60x डिजिटल जूम देखने को मिलता है। तो यही एकमात्र डिफरेंस यहां पर पीछे के कैमराज में दिया गया है। 8 मेगापिक्सल का जो पेरिस्कोप लेंस काम में लिया गया है उसके अंदर आपको OIS का फीचर भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कीमत और उपलब्धता की। तो यहां पर रियलमी एक्स थ्री 2 वेरियंट में लॉन्च किया गया है, 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में, जिसकी कीमत रखी गई है 24,999 रुपए। और दूसरा जो वेरिएंट है वो 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है, जहां पर आपको कीमत देखने को मिलेगी 25,999 रुपए, यानी केवल 1,000 रुपए का डिफरेंस आपको इन दोनों डिवाइसेज के अंदर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं रियलमी एक्स थ्री सुपर जूम की। यहाँ पर भी आपको 2 वेरियंट देखने को मिलेंगे, 8GB रैम के साथ में 128GB स्टोरेज, जिसकी कीमत रखी गई है 27,999 रुपए, और दूसरा वेरिएंट है 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में, और जिसकी कीमत आपको देखने को मिलेगी 32,999 रुपए। तो आज रात 8 बजे के बाद से आप इन दोनों स्मार्टफोन्स की प्री बुकिंग भी करा सकते हैं। इसके अलावा 30 जून से आपको ये सेल के ऊपर मिल जाएंगे। तो मेरे ओपिनियन में ठीक ठाक कीमत पर इन दोनों स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया, लेकिन रियलमी एक्स थ्री सुपर जूम का जो हायर वेरियंट है वो मुझे थोड़ा ओवर प्राइस लगता है और उसकी कोई खास आवश्यकता भी नहीं थी। बाकी 25-26 हजार की कीमत पर स्नैपड्रैगन 855 प्लस के साथ में ये एक बेहतर ऑप्शन अवेलेबल करवाते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको NFC नहीं मिलता, सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलता, 3.5mm ऑडियो जैक नहीं मिलता, HDR10 के सपोर्ट के बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं बताया, और इसके अलावा मेमोरी कार्ड का भी कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलता, तो आप मेमोरी एक्सपेंड भी नहीं कर सकते। इसके अलावा 2 और प्रोडक्ट रियलमी ने लॉन्च किए थे, जो बड्स क्यू है वो लगभग 1999 रुपए की कीमत के ऊपर लॉन्च किया गया है, और जो बैग पैक है वो लगभग 1500 रुपए की कीमत के ऊपर लॉन्च किया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।